आज हमने आलू और पोहा से एकदम टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनाया है। इसे आप किसी भी वक्त चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं आलू और पोहा का नाश्ता। 3 मीडियम आलू को उबाल के इसे कद्दूकस किया है। 1 मीडियम प्याज बारीक चॉप किया है, ये अंदर डाल देंगे। 2 हरी मिर्ची बारीक चॉप, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, इसके बदले में आप लाल मिर्ची पाउडर भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, दही का पानी निकाल के 2 टेबलस्पून एकदम गाढ़ा दही लेना है। पोहा को मिक्सी में क्रश करके पाउडर बनाया है, ये 1/2 कप पोहा का पाउडर है। मिक्स कर लेंगे। इस तरह की रोस्टेड चना दाल मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसका हमने मिक्सर जार में डाल के पाउडर बना लिया है, ये 2 टेबलस्पून चना दाल का पाउडर है। आपके पास ये नहीं है तो आप बेसन को रोस्ट करके डाल सकते हैं। नमक थोड़ा कम है तो 1/2 टीस्पून नमक और डाल देंगे और बराबर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हमने मिक्स कर लिया है, हाथ के ऊपर थोड़ा तेल लगा लेंगे और इसका बॉल बनाएंगे। इस तरह से छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। बॉल हमने बना के रेडी कर लिया है, तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है, ये गरम हो गया है। बॉल को अंदर डाल के फ्राई कर लेंगे। एक साथ में ज़्यादा बॉल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के हम फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा फ्राई हो जाए इसके बाद हम इसे चलाएंगे। तेल में थोड़ा बबल्स कम हो गया है, 1 मिनट के लिए इसे फ्राई होने दिया है, अब इसे चलाएंगे। तुरंत ही चलाएंगे तो बॉल टूट जाएगा, इसके लिए थोड़ी देर इसे फ्राई होने देना है, इसके बाद इसे चलाना है। मीडियम फ्लेम पे ये क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे फ्राई करेंगे। हमने इसे उलट पलट के फ्राई कर लिया है, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, इसे निकाल लेंगे। इस तरह से सारे बॉल को फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स बनके तैयार है, इसे हमने सॉस के साथ सर्व किया है। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा बना है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें।